इनको ऑटोमोबाइल्स में फिट करा जा रहा है क्यों क्या वजह है कि इनको ऑटोमोबाइल्स में फिट करा जा रहा है तो देखो ऑटोमोबाइल्स में आपके फ्यूल की तरह जो आपके हाइड्रोकार्बन यूज करे जाते हैं ठीक है हाइड्रोकार्बन यूज करे जाते हैं इनका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए ओके और इसी में कौन मदद करते हैं इसी में मदद करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबर्शन में कौन मदद करते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर्स तो देखो ये हाइड्रोकार्बन को किसमें चेंज करते हैं हाइड्रोकार्बन शुड बी कम्प्लीटली कम्बस्टेड इन टू सीओ टू एंड रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर्स ठीक है ऑल्सो यही कैटेलेटिक कन्वर्टर्स एक और रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जैसे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ठीक है नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनको नाइट्रोजन की गैस में कन्वर्ट कर देते हैं ओके okay. तो आपका यहां पर आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन ए ऑप्शन ए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड वाटर। अब जरा दूसरे ऑप्शन पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो खुद क्या है एक हार्मफुल गैस है है ना हम थोड़ी ना इनहेल कर सकते हैं ऐसी गैस को और अगर ये हमारे एनवाइट में आ जाएगी तो हमको हार्म होगा मीथेन क्या है मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है ओके okay. और हमें हाइड्रो कार्बन का ही क्या करवाना है कंप्लीट कम्बशन करवाना है अनवॉन्ट हाइड्रोकार्बन का ओके सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक